मध्य प्रदेश अजब है तो यहाँ के लोग और भी गजब है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एमपी के मंदसौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंदसौर जिले में पिछले लगभग एक महीने से बारिश नहीं हो रही थी। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के जतन करने में जुटे हुए थे। मंदिर मस्जिद में मन्नतों का दौर चल रहा था। इसी बीच में मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र ग्रीडी स्वामी ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए 17 अगस्त की रात शमशान घाट में काल भैरव के समक्ष तांत्रिक क्रियाएं की, साथ ही गधे की सवारी करते हुए भगवान से मंदसौर जिले में अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि 19 अगस्त को मंदसौर शहर सहित समूचे आंचल में बारिश हुई। बारिश होने की खुशी में रविवार को पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी स्वामी ने शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया के दौरान मौजूद गधों को फिर से खोजा और पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक पुनः तांत्रिक क्रिया के तहत गधों को हार माला पहनाकर सम्मानित करते हुए उन्हें करीब 1.25 किलो गुलाब जामुन का भोग लगाया। पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी स्वामी ने बताया कि मंदसौर जिले से इंद्रदेव रूट गए थे। इंद्रदेव को मनाने के लिए हमारे यहाँ पूर्वजों के परंपरागत तरीके को अपनाया और गधों को शमशान में ले जाकर पूजा अर्चना की। गधे शमशान से चलकर 3 दिन में अपने मालिक के घर तक पहुँचे और जिले भर में अच्छी बारिश शुरू हो गयी। बरसात होने से जिले के नागरिकों के साथ साथ किसानों में खुशी की लहर है। बारिश के लिए गधों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए हमने गधों को बुलाकर गुलाब जामुन का सेवन कराया। साथ ही आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की कामना के साथ हमने गधों के मालिकों का भी सम्मान किया है। जिस तरीके से इंद्र देवता रुके थे उसको मनाने के लिए, इंद्र देवता को मनाने के लिए हमने वो हमारे जो पूर्वज बता गए थे कि किस तरीके से बरसात नहीं होती है, लगभग एक माह हो गया था बारिश का, कहीं से कहीं तक अता पता नहीं था। तो हमने गधों को ले जाके ने शमशान में जाके पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद गधों को हमने वहाँ पे छोड़ा। गधे वहाँ से चले, 3 दिन में अपने मालिक के घर पहुँचे और 3रे दिन पानी आ गया। इससे व्यापारियों में खुशी, किसानों में खुशी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना गधों को भी सेवन करवाया जाए कुछ ना कुछ। तो हमने भगवान को गुलाब जामुन अर्पित करके गधों को गुलाब जामुन जब रखे तो उन्होंने गधों ने गुलाब जामुन का सेवन किया और उसको साथ साथ हमने उनके जो मालिक है उनका भी सम्मान किया कि कहीं ना कहीं जिस जो वातावरण अपना से कहीं से ये हो गया था, दूषित हो गया था, वो सही हुआ और अच्छी बारिश क्षेत्र में हुई। हाँ, मेरा तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिया की है उस क्रिया का नतीजा है कि 3रे दिन बारिश हुई है और आगे अच्छी और बारिश होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है, व्यापारियों में खुशी की लहर है, हर व्यक्ति खुश है। कोई व्यक्ति ये नहीं है कि बारिश नहीं, बारिश के लिए सभी प्रयास थे कि अच्छी बारिश हो, उससे काफ़ी वातावरण अच्छा है शहर का।